दो प्राकृतिक उपचार मैं आपको आज बताऊंगी जिसकी मदद से आप अपने एड़ी के दर्द को ठीक कर सकते हैं, घुटने के दर्द को ठीक कर सकते हैं, घुटने की ग्रीस खत्म हो गई है वो भी दोबारा से बनेगी, अगर आपके कार्टिलेज खिंच रहे हैं वो भी ठीक होंगे, किसी प्रकार का जोड़ों का दर्द हो, अगर आपके कमर में दर्द हो, अगर आपके शरीर में कहीं भी कोई भी जोड़ों का दर्द हो, अर्थराइटिस का दर्द हो या फिर आपको ऑस्टियो अर्थराइटिस का दर्द हो, किसी भी तरह का दर्द हो, इस प्रक्रिया से ठीक किया जा सकता है और ये आयुर्वेद में भी प्रयोग किया जाता है बहुत ही समय से और इसे आप चाहें तो आप अपने घर में बहुत ही आसान है कर सकते हैं। इस तरीके को आप बिल्कुल पहली बार ही अगर इसे आप करेंगे बहुत ही आपको लाभ मिलने वाला है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है उड़द का दाल का आटा। उड़द का दाल का आटा का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। अगर आपके पास उड़द दाल का आटा नहीं है तो आप घर में जो भी आटा प्रयोग करते हैं जैसे कि गेहूँ का आटा, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमें डालना है एक कटोरी, हमने उड़द दाल का आटा लिया है और इसमें हम एक छोटे चम्मच से हल्दी का पाउडर डालेंगे और अपनी हाथ की मदद से थोड़ा सा गीला, बिल्कुल हमें कड़ा नहीं बनाना है क्योंकि उड़द दाल थोड़ा चिपचिपा होता है तो हमें इसे थोड़ा गीला आटा ही गूंथ कर तैयार कर लेना। आटे को हम रोल कर लेंगे जिस प्रकार से मैं आपको दिखा रही हूँ। एक प्लेट का मदद लें, उस प्लेट में आपको इस आटे को लंबा आकार देना है। अगर आपका घुटना जितना भी बड़ा हो उस आकार का इसे गोला हमें बनाना है और लंबा रोल करने के बाद इसे इस प्रकार से चिपका दे दोनों सिरे को और हमें इसको गोला कर लेना है। आपको अगर कमर पे करना है, जहाँ भी दर्द है वहाँ पे इसकी मदद से आप अपने दर्द को ठीक कर सकते हैं, या तो आप कमर के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं या फिर आपके गर्दन के सामने दर्द हो रहा है या फिर कहीं भी आपके हाथ में जॉइंट में दर्द हो या फिर एड़ी में दर्द हो, इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हमें गीले कपड़े से ढक कर छोड़ देना है ताकि ये सूखे नहीं। यहाँ पर लेंगे जायफल। जायफल को हम नटमेग भी बोलते हैं इंग्लिश में। जायफल बहुत ही अच्छा होता है, ये हमारे शरीर को गर्माहट देता है और इसकी गर्मी की मदद से हमारे जो हड्डियों में दर्द है वो ठीक होती हैं। इसे बहुत समय से आयुर्वेद में प्रयोग करते आ रहे हैं हमारे औषधियों को बनाने के लिए, जो बहुत ही कारगर होते हैं और बहुत आसानी से बहुत सस्ते दामों में 5 से 10 रुपये में ये मिल जाते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 जायफल का प्रयोग किया है। अभी हम इसे क्या करेंगे, पहले कूट लेंगे अच्छी तरह से। 2 जायफल को हमने यहाँ पे कूट लिया है, बहुत आसानी से ये कूट जाता है। उसके बाद हमें मिक्सर ग्राइंडर में या फिर यहीं पे ही कूट के बहुत ही फाइन पाउडर यानी बहुत ही बारीक सा पाउडर हमें इसका तैयार कर लेना है। आप चाहें तो एक बार में ही इसका पाउडर बनाकर आप एक डब्बे में रख सकते हैं 7 दिनों के लिए, इससे ज़्यादा स्टोर नहीं करिएगा। आप बाज़ार से पाउडर लेकर आ सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा काम का नहीं रहता है, घर में ही इसका पाउडर का इस्तेमाल करें। आप पाउडर घर का ही बना हुआ इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे और इसके बहुत ही औषधीय गुण हैं। बच्चों को सर्दी खांसी होती है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसी भी तरह के कफ को ये ठीक कर सकता है। तो हमने पाउडर तैयार कर लिया है, तो आइए हम आगे हम एक तड़का वाली बर्तन लेंगे और यहाँ पर हम गैस का फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो पे हमें रखना है। हम यहाँ पर सरसों तेल का इस्तेमाल करेंगे। सरसों तेल हमें 1/2 कप लेना है। आपके पास अगर तिल का तेल है तो वो भी बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि सरसों का तेल और तिल का तेल हमें हमारे शरीर को गर्माहट देती है और गर्माहट की वजह से जो हमारे जोड़ों में दर्द है उसको बहुत ही जल्दी आराम मिलता है और धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटे चम्मच से भर के हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर भी आप घर में ही बनाएंगे तो वो ज़्यादा फायदा करेगा। हल्दी का पाउडर बहुत समय से प्रयोग करते आ रहे हैं हम हमारे शरीर में अगर दर्द हो या सूजन हो तो उसको ठीक करने के लिए। तेल हल्का गर्म हो गया है तो हम इसमें हमने जो भी जायफल का पाउडर तैयार किया है उस पाउडर को बड़े चम्मच से 1 चम्मच हम इस तेल में मिला देंगे और लगभग इसे 2 मिनट के लिए हमें पका लेना है। बिल्कुल हमें लो फ्लेम पर पकाना है और 2 मिनट में जब ये तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाता है तो गैस का फ्लेम बंद कर देना है और तेल को हमें ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। सावधानी से, तेल बहुत ही गर्म है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। तेल को हल्का इतना ठंडा करना है जितना हम अपने शरीर पे बर्दाश्त कर सकें।
हमें इसे छू कर देख लेना है कि इसका जो टेम्परेचर है वो कैसा है, ताकि हम इसे बर्दाश्त कर सके। तो आइए प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये सामग्री का इस्तेमाल करना है। एक छोटा सा हमें रुई लेना है, रुई को हम इंग्लिश में कॉटन भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से घुटने के दर्द को हम ठीक कर सकते हैं। आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको आराम मिलेगा। नीचे से जो हमने गोला बनाया है उसको थोड़ा खींच लेंगे ताकि वो बहुत अच्छे से चिपक जाए हमारे घुटने में। इसको यहाँ पे इस प्रक्रिया को करने के लिए आयुर्वेद में इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं बाजार में, जिसकी मदद से की जाती है, लेकिन आप घर में इस प्रकार से कर सकते हैं। इसे हम जानू बस्ती, कटी बस्ती, अलग अलग नामों से इस पद्धति को हम जानते हैं। अभी हम इस गरम तेल को, तेल इतनी गरम होनी चाहिए जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, ठंडा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। रुई की मदद से ऊपर से हमें अपने घुटने पर इसे गिराना है और इतने देर तक गिराना है ताकि ये पूरा तेल अच्छे से भर जाए, और हल्का गर्म तेल ही इस्तेमाल करना है। इसकी मदद से अगर आपके घुटने में ग्रीस ख़त्म हो गई है वो भी दोबारा से बनने शुरू हो जाएगी, आपके घुटने का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। 5 मिनट के बाद जब ये तेल हल्का ठंडा होने लगे तो आप रुई की मदद से आप इस तेल को निकाल लीजिए और फिर से इसमें गर्म तेल आपको डाल देना है। ऐसा लगभग आपको 15 मिनट के लिए कम से कम करना है। बहुत ही आराम मिलता है। सेम चीज़ों को आप, इस प्रक्रिया को आप अपने एड़ी के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमने रुई से निकाल लिया, फिर से हम इसमें तेल डालेंगे। याद रहे, तेल अगर ठंडी हो जाती है तो इस बीच में हम तेल को गर्म करते रहेंगे, ताकि हमें गर्म तेल का ही इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा जायफल भी गर्म होता है और तेल भी गर्म है, इससे हमें बहुत जल्दी लाभ मिलता है। पहली बार में ही आपको दर्द में कमी का महसूस होगा और लगभग आप इसे रोज़ ही करेंगे, कम से कम 15 दिनों के लिए करें, आपको बहुत लाभ मिलने लगेगा। अगर आपको चलने में तकलीफ़ हो रही है तो वापस से आप चलने लगेंगे। अभी 15 मिनट के बाद सारे तेल को निकाल लेना है और इस आटे को धीरे धीरे निकालें। याद रहे, अगर आपके घुटने में बाल है तो पहले बाल को आप अच्छी तरह से सेव करके हटा लीजिए। बाल में चिपकने से यहाँ दर्द भी आपको हो सकता है। उसके बाद आटे को अच्छी तरह से धीरे धीरे करके आपको घुटने से निकाल लेना है और ये जो तेल है वहाँ पर हल्के हाथों से आपको मालिश करनी है, गोला गोला घुमाते हुए। इससे आपको वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बनेगा। कम से कम मालिश आपको 6 से 7 मिनट के लिए करना है। उसके बाद एक सूती कपड़े की मदद से तेल को पोंछ लेना है। यहाँ पे ठंडे पानी का इस्तेमाल अभी नहीं करना है। अभी देखिए, हमने यहाँ पे जो जायफल का पाउडर तैयार किया था चूर्ण, उसमें से हम बिल्कुल एक चुटकी हम यहाँ से वो पाउडर लेंगे और गर्म पानी में उसे मिला देंगे। सिर्फ एक चुटकी, यानी बिल्कुल थोड़ा सा हमें मिलाना है पाउडर गर्म पानी में, हल्का गुनगुना पानी में, और पानी इसको हमें सिप सिप करके पीना है। खाली पेट आप कम से कम इसे 8 दिन के लिए पिएं। उसके बाद 8 दिन के बाद 15 दिन आपको इसे नहीं पीना है। 15 दिन के बाद आप फिर से चाहें, अगर आपको दर्द में आराम मिल रहा है तो आप इसे फिर से 8 दिनों के लिए लें, फिर 15 दिनों के लिए आपको इसे नहीं लेना है। दोनों प्रक्रिया को आप इस्तेमाल करें, बहुत ही आसान है, बहुत ही घर में इसे किया जा सकता है। बहुत ही जल्दी आपके दर्द में आपको बिल्कुल आराम मिलेगा, आपके घुटने का दर्द भी ठीक हो जाएगा, या फिर कोई भी जोड़ों का दर्द हो उसे आप इससे ठीक कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चैनल का नाम ऑल हेल्दी टिप्स है। शुक्रिया।